हेलो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ इक्विलेंट एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन के बारे में मींस अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को अगर हम डाइल्यूट करते हैं तो उसका इक्विलेंट और स्पेसिफिक कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है अब इसको समझने से पहले हम इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को समझते हैं देखिए किसी भी सॉल्यूशन में टोटल इलेक्ट्रोलाइट का वो फ्रैक्शन जो आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसी को हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं देखिए पहले बात करते हैं डिसोसिएशन क्या होता है? अगर हम NaCl का लेते हैं तो NaCl जब Na और Cl में डिसोसिएट होता है तो इसको हम डिसोसिएशन कहते हैं अब किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम एन का वन मोल लेते हैं तो ये सॉल्यूशन में टोटल इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट हो जाएगा अब इस वन मोल में से अगर एन एस सी एल के जीरो पॉइंट नाइन मोल डिसोसिएट होते हैं तो इस रेशियो को हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहेंगे सिंपली हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट का जो टोटल अमाउंट है उसमें से कितना अमाउंट आयंस में कन्वर्ट होता है तो इसी को हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टेंस की देखिए किसी भी सॉल्यूशन के कंडक्टेंस की बात करें तो वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट आयंस की वजह से होती हैं अब सॉल्यूशन का अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाता है मींस इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा से ज्यादा डिसोसिएट होगा और उससे ज्यादा से ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे अब आयंस ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है वो डाइल्यूशन करने पर इंक्रीज हो जाएगी फिर बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की देखिए किसी भी सॉल्यूशन की स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करें तो वो सॉल्यूशन के पर सीसी वॉल्यूम या पर यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करती है जैसे हम एक फिक्स यूनिट वॉल्यूम लेते हैं और इसमें कितने आयंस प्रेजेंट हैं तो इन आयंस के नंबर पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है अब देखिए अगर हम सोल्यूशन का डायलूशन करते हैं तो उस केस में इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगा मीन्स नंबर ऑफ इंक्रीज हो जाएंगे लेकिन उसके साथ साथ डाइल्यूशन करने पर वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है अब यहाँ पर नंबर ऑफ आय भी इंक्रीज हो रहे हैं और सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है अब अगर हम नंबर ऑफ आयन्स और वॉल्यूम दोनों को कंपेयर करें तो नंबर ऑफ आयन्स के कम्पेरिजन में जो वॉल्यूम है वो ज्यादा इंक्रीज होता है और नंबर ऑफ आयन्स के कम्पेरिजन में जब वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज होता है तो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं और जब पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम होते हैं तो उस केस में स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो सिंपली हम कह सकते हैं अगर इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन का हम डाइल्यूशन करते हैं तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है फिर बात करते हैं इक्विलेंट कंडक्टेंस की देखिए अगर इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करते हैं तो इक्विलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है अब इसका रीजन क्या है तो देखिए अगर हम इक्विलियन कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बीच के रिलेशन की बात करें तो उसको हम इस इक्वेशन के हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर लेमडा इक्विलियन कंडक्टेंस है कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टेंस है और यहाँ पर जो फाइव है वो सॉल्यूशन के उस वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का वन ग्राम अमाउंट परजेंट है अब देखिए जैसा कि हमने सेकेंड पॉइंट में डिस्कस किया था जब हम डायलूसन करते हैं तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है और जब हम डायलूसन करते हैं तो वॉल्यूम की वैल्यू इंक्रीज होती है अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस में जितना डिक्रीमेंट आता है उसको वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट आ रहा है वो कंपनसेट कर देता है तो इस तरह से इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू ज्यादा आती है तो इस तरह से हम कह सकते हैं जब इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करते हैं तो कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है अब इक्विलयन कंडक्टेंस में डाइल्यूशन के साथ जो वेरिएशन आता है उसको समझने के लिए हम इक्विलयन कंडक्टेंस को डिफरेंट डायलूशन पर कंसंट्रेशन के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं और उससे जो ग्राफ ऑप्टेन होते हैं उससे यह पता लगता है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है या डायलूशन इंक्रीज होता है इक्वल कंडक्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज होती है अब यहाँ पर हमने जो चार कंपाउंड लिए हैं उनमें से सबसे कम कंडक्टेंस की वैल्यू एसिटिक एसिड की है और सबसे ज्यादा पोटेशियम क्लोराइड की है अब पोटेशियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए उसके लिए इक्विल कंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा आती है और एसिटिक एसिड की बात करें तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है फिर बात करते हैं इक्विल कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डायलूशन के बारे में देखिए इन्फिनाइट डायलूशन की बात करें तो इसका मीनिंग होता है हम सॉल्यूशन को इतना डाइल्यूट कर दें कि उसके बाद फर्दर डाइल्यूशन करने पर जो सॉल्यूशन की कंडक्टेंस है उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं आता है अब हाईएस्ट डाइल्यूशन पर इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टेंस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसी को हम कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डायलूशन कहते हैं जैसे इस ग्राफ की बात करें तो एसिटिक एसिड के लिए मैक्सिमम डाइल्यूशन का पॉइंट ये होगा या लोवेस्ट कंसेंट्रेशन का पॉइंट ये होगा तो इस पॉइंट पर की, जो है, उसी को हम कहेंगे। इसी तरह से बाकी कंपाउंड्स के लिए ये पॉइंट मैक्सिमम कंडक्टेंस को इन्फिनाइट डायलूशन पर शो करते हैं अब इन्फिनाइट डायलूशन पर जो कंडक्टेंस होती है उसको हम लेमडा नॉर्स से रिप्रेजेंट करते हैं फिर बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस की देखिए जिस तरह से डायलूशन करने पर इक्वलियन कंडक्टेंस में वेरिएशंस आते हैं उसी तरह के वेरिएशंस मोलर कंडक्टेंस में भी आते हैं मीन्स अगर हम इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन का डायलूशन करते हैं तो उस केस में मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज होती है और मोलर कंडक्टेंस के केस में भी इसी तरह से ग्राफ ऑप्टेन होते हैं अब मोलर कंडक्टेंस एट इंफिनाइट डायलूशन की बात करें तो इसको हम लेमडा एम नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं अब इसकी डेफिनेशन भी इसी तरह से होगी जिस तरह से हमने इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर इक्विलेंट कंडक्टेंस की डेफिनेशन लिखी थी आपको क्या करना है यहाँ पर इक्विलेंट की जगह मोलर कंडक्टेंस लिख देना है